हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि हम प्रेयर्स के ऊपर क्लास कर रहे हैं, अभी तक दो क्लासेस हमने करी हैं। ये वो मॉर्निंग प्रोग्राम है जो शीला प्रभुपाद ने हमें दिया है। अपना जो सुबह का समय है, हम उसको कैसे शुरुआत करें, वो यहाँ पर शीला प्रभुपाद ने हमारे को पूरा ब्लूप्रिंट दिया है, पूरा एकदम क्लियर हमें दिया। हमें सिर्फ फॉलो करना है सिंसियरली और सीरियसली, है ना। यहाँ पर अभी हमने दो प्रेयर्स करी हैं। पहली प्रेयर थी संसार दावन, जो ग्लोरिफिकेशन है ना, आरती तो भगवान को दिखाते हैं लेकिन ग्लोरिफिकेशन गुरु की करते हैं। फिर दूसरी आरती थी नृसिंह भगवान की, जिसमें हम अपनी रक्षा की बात करते हैं, अपनी से भी ज्यादा अपने स्पिरिचुअल मास्टर की, श्री प्रभुपाद की, और इस हरे कृष्णा मूवमेंट की, जो हम जो सुरक्षा है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आज एक और स्पेशल प्रेयर हम करेंगे, वो है तुलसी, तुलसी प्रेयर्स। तुलसी कौन है? तुलसी कृष्णा प्रेयर्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। तुलसी महारानी जो है, तुलसी महारानी वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेविका है ना। ये हम सब लोग जानते हैं कि जो तुलसी महारानी वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से हैं और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो प्रतिदिन तुलसी आरती करते हैं सुबह और शाम। जब पट बंद हो जाते हैं मंगला आरती के बाद, तब तुलसी पूजा की जाती है। तो स्कंद पुराण में इसका बहुत ज्यादा महिमा तुलसी महारानी की दी है कि इसको छूने मात से, स्मरण करने मात से, खाली आप जल देते हैं उससे भी आपको बहुत ही ऑस्पिशियस आपकी लाइफ रहती है, आपको बहुत अच्छा आपके जीवन में भक्ति का विकास होता है ना। तो शीला प्रभुपाद हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करते थे कि जो तुलसी पूजा है वो हमारे दिनचर्या का अंग होना चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम का भी होना चाहिए। तो आप देखिए, जो वृंदा देवी हैं, तुलसी महारानी की जो हम लोग पूजा है वो मॉर्निंग में भी होती है और इवनिंग में भी होती है। लेकिन इसमें एक बात छोटी सी नोट करने वाली क्या होती है कि जब भगवान के पट बंद हो जाते हैं, और इवनिंग में भी जब होते हैं तो भी भगवान के पट बंद होते हैं, क्योंकि भगवान के जो हमारे विग्रह है ना, उनके सामने किसी की भी अर्चना या ग्लोरिफिकेशन नहीं होती। वो जो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी है वो शिला प्रभुपाद के लिए, शिला प्रभुपाद की जब पूजा हम लोग करते हैं तो पट खुले होते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी हम लोग आराधना करते हैं वो कैसे करते हैं? जब भगवान के पट बंद होते हैं। जो तुलसी देवी है वो एक्सपेंशन है वृंदा देवी की। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे वृंदा देवी है। वो वृंदा देवी यहाँ पर भगवान की लीलाओं के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तुलसी महारानी के रूप में आती है। वो भगवान की बहुत ही अतरंग सेवकों में से एक है और हमें असाधारण, मतलब अनइमेजिनेबल भाग्य का आशीर्वाद देती है कि जिससे हम भी कृष्ण की सेवा कर सकें। जो भक्त है वो भगवान की छोटी सी पेड़, देखिए एक पौधा है लेकिन ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान को बहुत प्रिय है और बहुत ही डेलिकेट होती है ना, बहुत डेलिकेट होती है। ग्रीन इनके लीव्स रहते हैं, है ना, तो इस तरह से ये भगवान को आकर्षित करती हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए, शीला प्रभुपाद तुलसी महारानी के बाद क्या कहते हैं। देखिए, तुलसी प्रेयर्स हम करने जा रहे हैं लेकिन इसका महत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बात करती थी, रिचुअल बन जाता है। हाँ, अपना अगरबत्ती दिखा रहे हैं या पूरा दीप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इसका महत्व है, क्यों शीला प्रभुपाद ने हमें दिया, इसको जानना बहुत जरूरी है। और शीला प्रभुपाद के क्या विचार थे, उनका क्या मूड था इसको लेके, उनकी भावना क्या थी, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो शीला प्रभुपाद अपने एक डिसाइपल बलाई को 22 मार्च को एक पत्र लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि हाँ, तुलसी श्री कृष्ण की नित्य संगनी और सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं, है ना, और इसलिए वैष्णवों द्वारा इस तुलसी की पूजा की जाती है। फिर एक गोविंद दासी जी के बारे में हम अभी बात करेंगे। वो प्रभुपाद की बहुत ही प्रिय शिष्य है ना। तो वो क्या बोलते हैं,
कि मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम श्रीमती तुलसी देवी ने आप पर इतनी कृपा की है। यदि आप वास्तव में ही इस तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि बाहर के जैसे शीला प्रभुपाद ने अपना ये मूवमेंट वेस्ट में शुरू किया, वहां पे तुलसी महारानी नहीं थी। न्यूयॉर्क में कब एक दफा ढूंढने के लिए बोला तो कहीं मिली नहीं उनको। और वो एक जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, शीशम का वो उनको दे दिए बीड्स। और जब प्रभुपाद को दिखाया तो प्रभुपाद ने बोला नहीं ये तुलसी महारानी, लेकिन उन्होंने कर दिया। तब से जो गोविंद दासी है उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे तुलसी महारानी को वेस्ट में जरूर लेके आना। इसकी बात हम करेंगे। तो ये तब की बात हुई जब तुलसी महारानी बहुत अच्छे से वहां पर उत्पन्न हुई थी। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति प्रमाणित है। कैसे प्रमाणित है? कि उन्होंने प्रयास किया, भगवान से प्रार्थना करी, हर तरीके से करा, और होनोलुलु जैसी जगह पे पहले शुरुआत किया। वहां पर तुलसी के इतने सारे पौधों को वहां पे उन्होंने लगाया, और क्योंकि भगवान की कृपा थी तो वो सफल हो पाई। तो मैं अपने संघ के सदस्यों के बीच तुलसी के पौधे की पूजा शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन अब तक ये सफल नहीं हो पाया। इसलिए जब मैंने सुना कि आपको ये अवसर मिला है, तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। तो भगवान देखिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न करने के लिए कितना उन्होंने एफर्ट किया कि तुलसी महारानी को वहां पर उत्पन्न किया। फिर आगे गौर हरि को भी पत्र लिखते हैं, उसमें क्या बता रहे कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि तुलसी कितनी अच्छी तरह बढ़ रही है। ये सारभूत भक्ति में सेवा का लक्षण है। ऐसा बताते हैं कि जब आपके घर में कोई आता है तो वो देख सकता है आपकी भक्ति कैसे है। जब आपके घर का जो तुलसी का पौधा है अच्छे से फल फूल रहा है ना, आप उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो पता चलता है कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो साधना है, वो बहुत अच्छे से हो रही है। आप भगवान की सेवा जो है, विग्रह की सेवा है, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हर केंद्र को तुलसी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि तुलसी को उगाने में कोई बाधा आती है तो इसका क्या अर्थ है कि भक्ति में दोष है। तो ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आगे बताते हैं, तुलसी पत्र विष्णु को बहुत प्रिय है। सभी विष्णु तत्व देवताओं को प्रचुर मात्रा में तुलसी के पत्तों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की तुलसी के पत्तों की माला बहुत पसंद है। तुलसी के पत्तों को चंदन के गूदे के साथ मिलाकर भगवान के चरण कमलों में रखना सर्वोच्च पूजा है। तो सर्वोच्च पूजा क्या है? भगवान के चरणों में आप तुलसी रखते हैं, और अगर चंदन में थोड़ा सा उसको लगा के रखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन कहाँ रखनी है ये भी शिला प्रभुपाद देखिए छोटी छोटी डिटेल्स देते हैं अपने शिष्यों को, ताकि कोई कोई गलती ना हो। क्योंकि उनके जो शिष्य थे उस समय बाहर से थे, उनको तुलसी महारानी के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे आपने वो करनी है, कि आपने सावधान रहना है किस बात के, कि तुलसी के पत्तों को भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों के अलावा किसी और के चरणों में ना रखा जाए। अपने राधा रानी के भी चरणों में आप नहीं रख सकते हैं। हरे कृष्णा, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ, तो अपने पास रख लो। अरे यहाँ पर के हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सही है कि विष्णुओं को और विष्णु तत्व के चरणों में हम रखते हैं, लेकिन राधा रानी के भी चरण में आप तुलसी महारानी को नहीं रख सकते। इवन अपने आध्यात्मिक गुरु के, स्पिरिचुअल मास्टर के भी चरणों में नहीं रख सकते। लेकिन इसमें एक और भी चीज बताते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जो तुलसी महारानी है, आप उनको कहाँ रख सकते हैं? वो राधा रानी के हाथों में रख सकते हैं, है ना, जिससे कि वो कृष्ण को अर्पित कर सके। तो शिला प्रभुपाद ये गोविंद दासी जी को बता रहे हैं कि आपने देखा है जो मैंने आपको चित्र गोविंदा एल्बम उन्होंने जो एक भेजी थी, वहां आपने ये चीज देखी होगी। तो कहाँ रखनी है? विष्णु तत्व जो है उनके चरणों में, और राधा रानी के आप हाथ में रख सकते हैं, या आप शिला प्रभुपाद के भी हाथ में रख सकते हैं कि वो भगवान को अर्पित करें। आगे एक लेटर जो उन्होंने लिखा पैटी डॉर्गन को नवंबर 1971 में, उन्होंने क्या बता रहे हैं, तुलसी देवी कृष्ण की परिचर है।
वह कृष्णमयी या कृष्ण भावना भावित है और इस शुद्ध अवस्था में उनमें कृष्ण के सभी गुण हैं और इसलिए वे कृष्ण की तरह ही पूजनीय बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कृष्ण और कृष्ण के तदीय जितने भी हैं, है ना, उनका धाम, लीला, उनके जो भक्त है वो सब कृष्ण के से अभिन्न है। तो क्या बता रहे हैं कि एक जो एक बहुत एक कहावत आती है कि मुझसे प्यार करना है तो मेरे कुत्ते से प्यार करो। ये ऐसा है, राष्ट्रपति के पास जाना बहुत मुश्किल है, जब तक आप उनके पुत्र या पुत्री के मित्र ना हो तब ये बहुत आसान हो जाता है। इसलिए तुलसी देवी और भगवान के अनेक परिचरों की पूजा कृष्ण को प्रसन्न करने के संपूर्ण भक्ति भाव का हिस्सा है। तो कैसे प्रसन्न करेंगे कृष्ण को? डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमारा क्या है, दास अनुदास, तो हमको कैसे जाना है, उनके परिचरों के माध्यम से, अपने गुरु महाराज के माध्यम से, उनके जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त की परंपरा में चल रहे हैं, और तुलसी महारानी जो हम पर कृपा करने आई हैं, उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके आगे बताते हैं, आई होप आपको सही लग रहा होगा, आप सोच रहे कि मैं तुलसी प्रार्थना तो बता नहीं रही और ये कुछ बता रही हूँ। एक्चुअली बहुत जरूरी है हमारा इसको जानना कि क्यों हम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये गोविंद दासी है, ये वो है शिला प्रभुपाद की डिसाइपल, जिन्होंने क्या किया था, होनोलुलु में जाकर ये तुलसी महारानी को वहां पर उत्पन्न किया। एक बारी बता रहे हैं, ये अपनी एक चर्चा में बताती हैं कि मैं 1967 में प्रभुपाद से मिली थी, है ना, तो प्रभुपाद ने मेरे को बोला आप जाके मेरे लिए बीट की माला लेके आइए, तुलसी माला लेके आई, कि मैंने पूरा न्यूयॉर्क छान दिया, कहीं मेरे को नहीं मिली, मगर एक शॉपकीपर ने क्या बोला, हाँ मेरे पास है, मगर उसने क्या किया, शीशम जो होता है ना, रोजवुड, उसके उनको बीट्स दे दी। लेकिन शिला प्रभुपाद तो एकदम एक्सपर्ट है, उन्होंने पहचान लिया, बोले कि नहीं ये नहीं है, फिर भी उन्होंने कर दिया, बिकॉज उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैंने अपने मन में पूरा पक्का इरादा कर लिया कि इसको तो मैं जरूर करूंगी, प्रार्थना करी, शोध किया, अलग अलग जगह जाकर रिसर्च किया, और उन्होंने क्या किया, फिर बीज मंगाए भारत से और उनको लगाया, तो पहला बीज तो नहीं अंकुरित हुआ, फिर बाद में उन्होंने ना जो दूसरी बारी लगाया तो उन्होंने देखा छोटा सा निकला। अब उनको ये नहीं पता था कि ये तुलसी महारानी है या क्या, लेकिन वो रोज उसको देखती थी, रोज प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी, तो बाद में वो इस कार्य में सफल हुई, क्योंकि जो शिला प्रभुपाद है उनकी जो एक मर्सी है, जो पोटेंसी है वो उनके साथ थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसी की पूजा के संबंध में इसका अधिक महत्व नहीं है, बस सभी भक्त रोज सुबह थोड़ा सा जल चढ़ाएं और शाम को प्रणाम करें और घी का दीपक जलाएं। तो बड़ी सरल तरीके से करनी है, कैसे करनी है कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल चढ़ाइए और शाम को आप दीपक जला सकते हैं, दिन में भी जला सकते हैं। और क्या करना है, जो मंत्र हमें दिया है यानी कानी, उससे क्या करना है, परिक्रमा करनी है। और आगे वो बता रहे हैं कि मुझे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी कि आपने अपने मंदिर की गतिविधियों में श्रीमती तुलसी देवी की पूजा को भी सम्मिलित कर लिया, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने बताया। फिर आगे क्या बता रहे हैं, हाँ कृष्ण सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण बहुत दयालु हैं, जैसे कि आप उनकी सेवा के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है वह उसे प्रदान करते हैं, और तुलसी देवी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, तुलसी के प्रति झुकाव होने से आपकी कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी। जब हमारा उनके जो भक्त है, उनके जो परिचर है, उनसे हमारा जो श्रद्धा है, जो प्रेम बढ़ेगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो कृष्ण के प्रति भक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए, बता रहे हैं फिर से कि संध्या के समय दीपदान करना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और थोड़ा सा जल देना चाहिए। तो उसके बाद वो गोविंद दासी जी को फिर ये पत्र लिखते हैं कि पश्चिम देशों में तुलसी बीजों का प्रत्योपण के विषय में आई एम सॉरी प्रत्यारोपण के विषय में आपकी प्रस्तावित सेवा से निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि आप वास्तव में गोविंद दासी, कैसी है, गोविंद की दासी, आपने सिद्ध कर दिया है ना। तो मैं हमेशा कई सज्जनों से बात करता हूँ कि आप तुलसी को पश्चिमी देशों में प्रस्तावित करने के लिए कितनी मेहनत से काम करती हैं, और मैं हर जगह यही सुन रहा हूँ, तुलसी बहुत शानदार ढंग से बढ़ रही है, तुलसी महारानी आप पर कृपा करे और कृष्ण से आपका परिचय
वृंदावन की गोपियों की सहायक दासी के रूप में कराएं। तो देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं शिला प्रभुपाद, क्या कराएं, गोपियों की सहायक दासी के रूप में आपका परिचय कराएं, क्योंकि आपने यहाँ पर बीज प्रत्यर्पण किया है तुलसी महारानी का। शिला प्रभुपाद कभी भी अपने परपोर्ट्स में, अनुवाद में आप देखेंगे, कभी भी अपने शिष्यों का चर्चा नहीं करते, लेकिन भागवतम के फोर्थ कैंटो में उन्होंने मेंशन किया है गोविंद दासी जी को कि हाँ मेरी एक शिष्या है जिन्होंने ये किया है। तो देखिए कितने प्रसन्न है। नहीं तो शिला प्रभुपाद ने आई थिंक शायद तमाल कृष्ण प्रभु के भी कुछ कार्य को मेंशन किया, उसके अलावा किसी भी कार्य शिष्यों के लिए वो कभी भी मेंशन नहीं करते थे। तो आगे बता रहे हैं ये गोविंद दासी जी हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, लंदन में एक बात के आप श्रीमती तुलसी देवी की इतनी अच्छी तरह से खेती करके सर्वोत्तम सेवाओं में से एक कर रहे हैं और वह इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, इस बात का संकेत है कि आप एक महान भक्त हैं, क्योंकि तुलसी देवी भक्ति से ही फलती फूलती हैं। क्या बता रहे हैं कि आपकी भक्ति जो है अच्छी है, आप महान भक्त हैं, क्यों, क्योंकि आपके घर में जो तुलसी महारानी है वो बहुत अच्छे से फल फूल रही है। हम कई दफा पूछते हैं हमारा भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितनी अच्छे से इंडिकेशन यहाँ पर हमें दी जा रही है। तो फिर एक जो लेटर उन्होंने नित्यानंद को प्रभु जी को लिखा, वो बोले कि तुलसी का चित्र विशेष रूप से सांकेतिक है, क्योंकि यदि तुलसी प्रचुर मात्रा में उगती है तो वह उस स्थान की सच्ची भक्तिपूर्ण सेवा में को सिद्ध करती है। सिंपल सा बात है, जानना है कि आपकी भक्ति पड़ रही है कि नहीं, तो आप इसको जान सकते हैं। तो इसी तरह से बता रहे कि आपको गंभीरता से पूजा करनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर महिमा बताई गई है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि अगर कोई तुलसी जो है सभी प्रकार से शुभ है, केवल देखने से, छूने से, स्मरण करने से, प्रार्थना करने से, सामने झुकने से, है ना, इसके बारे में सुनने से, पेड़ बोने से, हमेशा शुभ होता है। जो भी कोई उपरोक्त तरीकों से तुलसी के पेड़ के संपर्क में आता है वह अनंत काल तक वैकुंठ दुनिया में जाता है। तो कितना सिंपल, आप खाली स्मरण करें, स्मरण करेंगे, जल देंगे, है ना, तो कितना आपको ये लाभ होगा। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि कितना पवित्र है ना। तो कृष्णा ने हमारे को तुलसी जी दी है उनके उनके पास जाने के लिए। फिर आगे बता रहे हैं कि मंजरियों, जो मंजरियां होती हैं छोटी, उनको अर्पित पानी अर्पित किया जा सकता है और पानी को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है ना, उसको जल में डाल के, और ये फिर हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी उन्होंने हर जगह पे बताया कि मुझे आप तुलसी के पत्ते भेज रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह पे अब जो तुलसी है, ये गोविंद दासी ही है, थोड़ा पहले का उनका पिक्चर है, जब एक बारी होनोलुलु में आ गया तो फिर धीरे धीरे हर वेस्ट में हर जगह पे पहुंच गया। तो इसलिए शिला प्रभुपाद को बहुत प्रसन्नता हुई। तो अब हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो ये जो प्रार्थना है इसको तुलसी कीर्तन भी बोलते हैं, और इसको किसने लिखा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। नमो नमा तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमा। तो ये जो है इस गीत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती तुलसी देवी से प्रार्थना करते हैं जो कि कृष्ण को बहुत प्रिय। तो ये प्रार्थना तो आप सब रोज करते ही हैं, है ना, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो क्या बता रहे हैं कि हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं, हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो सबसे पहले हम ये जो इतनी मर्सीफुल है, इतनी दयालु है वृंदा देवी, उनको प्रणाम करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तो अभी गाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या बता रहे कि श्री कृष्ण की प्रियतमा है तुलसी देवी, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो मेरी एकमात्र इच्छा क्या है कि मैं श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना के भी स्टेप्स होते हैं कि पहले ग्लोरिफिकेशन करना है ना, फिर ऑब्जेक्ट बताना है,
फिर रिलेशन बताना है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आप देखिए कि हम जब प्रार्थना करते हैं उसको कैसे करना चाहिए, शुरुआत हमेशा उनकी महात्म्य से करना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन से करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप कितने मर्सीफुल हैं, फिर अपनी जो इच्छा है वो रखनी चाहिए भगवान के सामने। फिर क्या बता रहे हैं, जे तुम्हारे शरण लाए तारवां छपून हो, कृपा कारी करो तारे वृंदावन वासी। अब वृंदावन वासी बोल रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि अमारिका दियो वास, तो बड़ा क्लियर रखिए अपने माइंड में आपको कहाँ वास चाहिए, वृंदावन में चाहिए कि अमेरिका में चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे मन में इच्छा रखते हैं, मुंह से तो वृंदावन बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे को वृंदावन में क्या करना है, हमारे को वृंदावन वासी बना दे। तो पूछे क्यों वृंदावन वासी बना दे भाई, हमारी इच्छा क्या है, बोल रहे हैं कि क्या आप मुझ पर कृपा करो और वृंदावन वासी बना दो, तो क्यों बना दो वृंदावन वासी। तो उसका फिर आंसर देते हैं, मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने ही रिबो सदा युगल रूप राशि। क्या करना है भाई आपको, वहां जाके मैं उनको उनके दर्शन कर सकूं। तो अभी ये दर्शन जो है ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी करे, तो हम क्या कर सके, हम मदद कर सके वहां पर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो तुलसी महारानी आ, आ, को प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा युगल जोड़ी के उनको दर्शन करा दे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे को वहां दर्शन जाके हमारे को उनको इंजॉय नहीं करना है, हमारे को वहां जाके सेवा करनी है, क्योंकि हम लोग कौन है, दास है, दासी है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये नहीं कि हम भी जाकर देखेंगे उनको, हमारा होना चाहिए कि हम उनको पूजा में उनकी भक्ति में मदद करेंगे। फिर आगे क्या बोलते हैं कि ए निवेदना धर सकिरनुगत कर, सेवाधिकार दिए कर निज दासी। ऐसे तो हर शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ शब्द बहुत ही प्रिय है, जैसे अनुगत, अनुगत करिए, आपको फॉलो करना है ना, हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है, और जो हमारे से सीनियर्स हैं जो उस शुद्ध भक्ति के पाथ पे चल रहे हैं हमको उनको फॉलो करना है, अनुगत अनिवार्य है। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज करते हैं कि अनुगत अनिवार्य, ये प्रोसेस है, भक्ति से ही भक्ति मिलेगी, कोई आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप तपस्या कर लीजिए, कितनी भी धाम यात्रा कर लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन आपकी भक्ति कैसे बढ़ेगी, जब कोई कृपा करेगा आपके पर। कौन कृपा करेगा, जो आपके स्निग्ध है, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम है। अब जैसे हम कभी जाते हैं कहीं पे, है ना, बहुत सारी क्लासेस हम लोग सुनते हैं, कहीं धाम जाते हैं, ठीक है वो कृपा करते हैं, लेकिन वो एक इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उस एसोसिएशन का जितना हमारा अपना, जो हमारे काउंसलर्स हैं, है ना, जो बिल्कुल केयरिंग है, वो हमारे उनको ध्यान है कि ये भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उस चेन में चलना चाहिए हमारे जो आप कई दफा क्या होता है कि हमें लगता है अब हम सीख गए, है ना, अब हम सीख गए, चलो अब हम अपने आप करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा अनुगत ही रहना है, अनुगत भाव से ही आपको आगे प्रगति करनी। इससे मुझे याद है, प्लीज अपना अनुगत का ऐप भर लीजिएगा, उससे सबसे ज्यादा प्रगति होगी। खाली आप अपना अनुगत का ऐप भरेंगे ना, तो उसी से आपकी पूर्ण प्रगति हो जाएगी, ऐसा मेरा विचार भी तो नहीं है लेकिन विश्वास जरूर है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, दीन कृष्ण दासे काए ये नमो राहो, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। अब मांग तो लिया इतना सब कुछ कि मुझे आप यहाँ पे वृंदावन का वास दो, वृंदावन का वास देने के बाद क्या करो, है ना, मुझे अनुगत कर दो, मैं किसी दासी की सेवा करूं, मैं कोई डायरेक्ट नहीं कुछ भी करना, मैं कोई हेल्प कर सकूं किसी की, है ना, किसी को कुछ फूल चाहिए, पत्ती चाहिए, या कुछ साफ करना है, कुछ भी मैं वो कर सकूं, है ना। और लेकिन क्या है, मैंने मांगा तो सही, लेकिन दीन मतलब मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा स्तर नहीं है वो, है ना, आपको ऐसा कुछ वो नहीं है, तो आप, मगर आप तो बहुत कृपालु हैं, आप क्या करो कि मुझे ये सेवा आप प्रदान करो। और उसके बाद फिर हम परिक्रमा करते हैं, यानी कानी चा पापानी, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, यानी कानी च पापानी, लेकिन क्या बोलते हैं लोग, चा पापानी, मतलब इसको जोड़ के नहीं बोलना होता है, चा पापानी ब्रह्मा हत्कदानी चा तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो क्या अगर आप तुलसी महारानी की परिक्रमा करते हैं तो जितने पाप आप कर नहीं सकते उससे ज्यादा नष्ट हो जाते, लेकिन इसमें ये नहीं करना चाहिए कि चलो पाप करते रहो, सुबह परिक्रमा करेंगे और नष्ट हो जाए, तो ये भाव नहीं होना चाहिए।
तो उसके बाद बस हम इसको समाप्त कर रहे हैं। तो तुलसी महारानी को तोड़ने का भी एक विधि होती है, एक मंत्र होता है, आप सबको आता होगा। ओम तुलसी अमृत जन्मसी सदा त्वम केशव प्रिया केशवार्थम चिनोमी त्वाम वरदा भव शुभ्रे। तो क्या है, हे तुलसी तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो, तुम सदैव केशव को बहुत प्रिय हो। अब भगवान केशव की पूजा करने के लिए मैं तुम्हारी पत्तियों और मंजरियां एकत्र कर रहा हूँ, कृपा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जब भी आप तुलसी महारानी को के पत्तों को लेते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, ये मंत्र बोलना चाहिए। और जब तोड़ लेते हैं उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना चाहिए जिसका यह है, हे जगत जननी तुलसी देवी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, यानी यदि मैंने आपके पत्तों और मंजरियों को तोड़कर आपको कष्ट दिया है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो ये क्षमा मांगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पत्तियां ले रहे हैं लेकिन सेवा के लिए ले रहे हैं, लेकिन हमसे गलती हो सकती है। तो ये जरूर बोलना चाहिए मंत्र लेने से पहले और तोड़ने के बाद, पत्तियों को ये जरूर बोलना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो प्रार्थना है, आप आगे जैसे अभी हमने दो प्रार्थनाएं करी, अभी ये प्रार्थना में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो पहला आपका अंतराय उसमें क्या करें, हम उनके गुणों का कीर्तन करें कि आप कितनी, आप कैसी हैं, आप कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, बहुत ज्यादा आप प्रिय हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रार्थना है उसका उद्देश्य हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं कि क्या चाहिए आपको। मैं प्रार्थना पहले ग्लोरिफिकेशन करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या चाहिए इस प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना तो तभी करते हैं ना, वो चीज जो हम अपने से नहीं प्राप्त कर सकते, जो चीज अपने से प्राप्त हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो मांग रहे हैं ना, तो फिर बताते हैं कि ये चाहिए हमें। फिर अच्छा हम ये मांग रहे किस लिए चाहिए, है ना, उद्देश्य भी बताना चाहिए कि क्या करोगे भाई वृंदावन वासी बनकर, है ना। और उसके बाद क्या करना चाहिए कि फिर अपनी विनम्रता, हमें पता होना चाहिए कि हम एक तुच्छ जीव है ना, बहुत सारी कमियां है, हम कर नहीं सकते, तो अपनी दीनता भी, हेल्पलेसनेस दिखाना चाहिए, तभी कोई कृपा करेगा। बोले अरे हमें पास तो सब कुछ है, देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप दया करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बोलना कि हाँ मैं दीन हूँ लेकिन आप तो प्लीज मुझ पर कृपा करें, मतलब ठीक है दीन हो तो दीन रहो, नहीं कि मैं दीन हूँ तो आप क्या करें, दीन कृष्ण दास कहे, अपनी अयोग्यता के बावजूद दया के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जिससे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बहुत ही मर्सीफुल। ठीक है, ये छोटी सी प्रार्थना थी तुलसी महारानी की, तो तुलसी महारानी को इसी भाव से आप प्रार्थना कर सकते। हरे कृष्ण।